जिला पंचायत चुनाव मुरादाबाद में संपन्न होने के बाद जीते हुए सभी प्रत्याशी क्षेत्र की समस्याओं को सुनने के साथ साथ सभी को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि आप कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। जनपद मुरादाबाद के भगतपुर ब्लॉक के वार्ड 36 से जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर नजाकत अली ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और सभी से क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण अभी गया नहीं है, ऐसे में सभी लोग सावधान रहें, चेहरे पर मास्क लगाकर रखें, शारीरिक दूरी का पालन करें और कोई भी समस्या होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर नजाकत अली ने बताया कि क्षेत्र की प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए हम काम कर रहे हैं। इस वक्त सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको लेकर हम सभी इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि आप सावधान रहें, गाइडलाइन का पालन करें। सिटी चैनल से बात करते हुए जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर नजाकत अली ने सभी को ईद की मुबारकबाद देने के साथ साथ दिए गए सहयोग के लिए भी शुक्रिया अदा किया। देखिए, जीत के बाद में क्षेत्र में सबसे पहले मैं कोरोना के बारे में समझा रहा हूँ लोगों को कि आपसी दूरी बनाए रखें। दूसरा मेरा लक्ष्य ये है कि चुनाव अभी हुआ, उसमें थोड़ा माहौल गर्म है, सबको ये बात भी समझा रहा हूँ कि कोई भी झगड़ा, आपसी मनमुटाव सब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मैं हारने वाले प्रत्याशियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो भी सब्र रखें, संयम बरतें, आगे को तैयारी करें, भाईचारा बना कर रखें, आगे को उनकी कामयाबी हो जाएगी, बाकी नफरत ना करें। अच्छा, आप गांव में जा रहे हैं, आप किन किन बातों को देख रहे हैं कि यहाँ पर बिजली की कमी है, पानी की कमी है, किन चीज़ों को देख रहे हैं? गांव में जा रहे हूँ मैं, मैंने देखा पूरे क्षेत्र में ज़्यादातर कोरोना महामारी भी चल रही है। हैंडपम्प मैंने देखा कि हर गांव में हैंडपम्प खराब हैं। मैं भी लेटर छप जा एक जिलाधिकारी महोदय जी को, BDO साहब को, सभी को जो है एक लेटर लिख के दूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो नलों की समस्या है वो दूर होनी चाहिए, ज़्यादातर नलकू खराब पड़े वो सही होने चाहिए। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में क्या जरा थोड़ा कोरोना का मामला चल रहा है ना, तो मेरा प्रयास ही रहेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी इस क्षेत्र के लिए मैंने दान कर दी है और इस क्षेत्र में रहूँगा, क्षेत्र से हट कर कहीं नहीं जाऊँगा। बढ़िया खुशी की बात है कि हमारे डॉक्टर साहब जीते हैं और अच्छा काम करेंगे, उम्मीद है इनसे। जो भी गांव की समस्या है जो हमसे ना हो पाएंगी वो हम इनसे शिकायत रखेंगे, ये पूरा उससे करेंगे जो है।